सोशल मीडिया का दौर है और इसमें कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। कल जो है न्यू ईयर ईव होगी और पूरी दुनिया में नए साल की क़यामत की खुशी में बड़ी महफिलें सजती हैं। और जो कश्मीरियों को इस वक्त जो आज़ादी की कदर जो है, हमें आज़ादी की कदर कब होगी? कहा जा रहा है बहुत एक बड़ा दिन है हमारे कश्मीर में, कुछ नया हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारा कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये औरत बकवास कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी हो। कश्मीर में लालचौक में पहली बार जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की जा रही है। ये जो सजावट दिख रही है आपको, दिल्ली की याद दिला रही है या कश्मीर? हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि हमारे ऐसे बहन भाई हैं कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। आप ये वीडियो को मैंने पूरी नहीं देखी, आप खुद देखें कि ये सहूलतें मिलने मिलती हो वहाँ पे, इधर ना मिले तो हम वो उनका दिल करेगा आने को? आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवेसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं यार भाई भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट करने के लिए हिस्ट्री जो है सबसे बेहतरीन गाइड होती है। ये चेक करें जरा, ये कैसा डेवलप लाहौर इस तरह का है जी? इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं? बिल्डिंग चेक बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। लाहौर नहीं है ना? नहीं, लाहौर नहीं है। मैंने आपसे चार पांच लोगों को पहले दिखाया, वो कहते हैं कि भाई ये यूरोप लग रहा, कोई दुबई लग रहा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में। आज हमारी दिली तमन्ना यहाँ पे पूरी हो गई है। इस लाल चौक में 3 बजे से 4 बजे तक लोग डरते थे आने को, कहते थे एबीना कुछ ना कुछ खराब ये हो जाएगी। आज देखो लोग शांति से अमन से यहाँ पूरी रात को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है। तो वहां पे तो हालात डिफरेंट है, लोगों के अंदर प्राइड है, नेशनलिज्म है, लोग समझते हैं हमने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नकारा हो चुका है, रद्दी हो चुका है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है। आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं, आपका हर मौलवी जाहिल। और 2023 की बात करें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल तरीन साल था। वो पाकिस्तान की मईशत की आप बात कर लें, सियासत की बात कर लें और इवन जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको सामने रखें तो यकीनी तौर पर काफी सारे चैलेंजेस 2023 में हमें देखने को मिले। कश्मीर के बारे में जानते हो कुछ? बेशक आप बताएं, क्या पूछ रहे हैं? कश्मीर के इस टाइम कौन सा कश्मीर, कौन सा साइड कश्मीर, हमारे साइड पाकिस्तान साइड कश्मीर या फिर हिंदुस्तान साइड कश्मीर? फैसिलिटीज, आज़ादी और खुद मुख्तारी कहाँ पर ज़्यादा है? पहले आप हमें ये बताएं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, हमें इधर आज़ादी है? हाँ। है, इधर भी नहीं है तो कश्मीर वालों को क्या आज़ादी होगी? आज़ादी नहीं है? नहीं है। किस चीज़ की आज़ादी नहीं है आपको? हमारे हुक्मरान आप देख सकते हैं कैसे हैं, इन्होंने फलस्तीन का देखें क्या हाल हो रहा है, इनका काम बताया कि अपनी फौज को आगे भेजें, कश्मीर को तो छोड़े, इस टाइम फलस्तीन के आवाज उठानी चाहिए हमें, ठीक है? इसी बात कश्मीर, हम कश्मीर, हमारे ये हुक्मरान कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं करवा सकते हैं। क्या आज़ादी भी मांगते हैं तो क्या वो कश्मीरी हमारे पास आना चाहेंगे इन हालात के अंदर? नहीं आना चाहे, कश्मीर खुद नहीं आना चाहते इधर, ठीक है ना, कश्मीर खुद नहीं आना चाहते इधर, वो कहते हैं पाकिस्तान से अच्छा हमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा हिंदुस्तान है। किस वजह से? उनको उधर सहूलतें मिलती हैं, इधर हमें नहीं सहूलतें मिलती, उनको क्या मिलेंगी? आप कहीं हद तक सही बोल रहे हैं, इसी रिलेटेड मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जो अभी कि ये इंडिया साइड कश्मीर है, लाल चौक जिसे कहा जाता है, ये इंडिया का झंडा आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखें, ये अभी बनाया उन्होंने। आप ये वीडियो को मैंने पूरी नहीं देखी, आप खुद देखें कि ये सहूलतें मिलने मिलती हो वहाँ पे, इधर ना मिले तो हम वो उनका दिल करेगा आने को? ये माइंड की बात है सिर्फ, मैं देख रहा हूँ, ये इस तरह लग रहा है पैरस फिर रहे हैं। खुद आप समझदार हैं, सिर्फ हमारी हुक्मरान हुकूमत बिलबोर्ड जाकर हमारा लाहौर इतना डेवलप है जितना ये नहीं। ये लाल चौक देखें, यहाँ पर खून खराबा होता था पहले, अभी देखें किस तरह से यहाँ पर सेटल लग रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उनको उधर रिस्पांस मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है,
ये सिर्फ मीडिया वाले बातें उठा के ये हो गया फलाना कुछ भी, इस टाइम आवाज़ उठानी है तो फलस्तीन के ऊपर उठाएं, बस कश्मीर के ऊपर ना उठाएं। तो क्या जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन नारे लगवाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आज तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या? हम ये बात आपके टोकने लगा, हम खुद उनके टट्टू बन जाते हैं सिर्फ कि यार नारे लगाने हैं फलान लगाने। अब कहीं से ये देख लो, हमने TLP को वोट देना है, उसको नून लीग को देना है, PTI को देना है, कोई भी नहीं सही है। निज़ाम में निज़ाम वो होना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, ये ना हो कि हमारे हुक्मरानों के लिए सही हो। यहाँ पर आटा पूरे पाकिस्तान के अंदर 200 रुपए KG मिल रहा है, जो इंडिया के साइड कश्मीर है वहाँ पर 30 रुपए KG आटा मिल रहा है। उनकी करेंसी भी तो देखें हमसे कई कि एक टाइम था हमारी करेंसी उनसे ऊपर थी, अब सिर्फ 90s के अंदर थोड़ा सा एक झटका ऐसे आया था, थोड़ा सा टाइम था हमारी करेंसी ऊपर गई थी, लेकिन परमानेंट हमारी करेंसी उनसे ऊपर नहीं रही। दूसरे नंबर पर क्या कहेंगे कि अगर इतनी सहूलियात जितनी को इंडिया साइड कश्मीर में मिल रही है, हमारे यहाँ पर हमारे लोगों को पूरी को नहीं मिल रही, तो हमारे हुक्मरान अभी तक कर क्या रहे हैं और इंडिया से आज़ादी हमने क्यों ली थी? तो वो देगा कौन? पहले ये बताएं वो कौन सा हुक्मरान आएगा जो देगा? जितनी देर हम आवाम नहीं ना सही होंगी, हमारे हुक्मरान भी नहीं सही होंगे। हमें पता है आज हमने इसके साथ जाना, हमें बिरयानी मिलेगी, वो मिलेगा, फलाना के हुक्मरान सही है, वो भी नहीं सही, पर उनकी आवाम तो सही है ना, हुक्मरान के साथ चलती तो सही है ना। हुक्मरान जो मर्जी हो उसने अपने आवाम ने करवाना होता हुक्मरानों को कह के, हमारी आवाम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करती। हमारी आवाम कहती है हम कहते हैं हम इसके लिए बाहर जाएं, हमारी आवाम कहती छोड़ो। बैक ट्रैक कर लें, रिवर्स में देखें कि आप हिंदुस्तान से हर मामले में पीछे हैं, चार जंगें हार चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान गवा चुके हैं, कश्मीर का आप एक इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे? तो ये झूठा डॉक्ट्रिन पढ़ाया गया, ठीक है जी। जो दूसरा डॉक्ट्रिन जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया कुरान, कुरान का एक उन्होंने लिया गजवा हिंद का फौज, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जगजुओं की फौजें कूच करेंगी हिंदुस्तान की तरफ और वहाँ के राजाओं को बेड़ियों में जकड़ेंगी और फिर वही फोर्सेस मूव करेंगी शाम की तरफ और वहाँ जाके इस्लाम का बूटा गाड़ देंगी, शाम जो कि प्रेजेंट इज़राइल है। तो बेसिकली जो यहूद हनूद जो आपको साजिश दिखाई देती है वो यही थी, ये आपने बेसिस बनाया, राइट। तो आप एक फॉल्स सुपीरियरिटी में जी रहे थे, आपको ये लग रहा था कि हम हिंदुओं से बेटर हैं। अब देखिए मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करूंगा, हकीकत आपके सामने है। कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आज आप देख लें कौन किससे बेटर है, राइट। किसी चीज़ में देख लें, आप किसी फील्ड में देख लें, इकॉनमी में देख लें, जंग में देख लें, मिलिट्री में देख लें, टेक एनी फैसेट। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे नज़दीक थी वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान जब एक मौके के ऊपर इस के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ गए थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स वो $3 बिलियन तक रह गए थे और IMF के साथ जो मुज़ाकरात थे वो डेडलॉक का शिकार थे और खदशा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लेकिन थैंक्स टू आर टाइम टेस्टेड लॉन्ग टर्म फ्रेंड चाइना, जिन्होंने बरवक्त जो कर्जे थे उनको रोल ओवर किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा। लेकिन दिवालिया होने से तो बच गया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तान जो मुआशी दलदल है उससे निकल आया। 2023 में हमने देखा कि महंगाई के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो टूट गए, महंगाई की शरह एक मरतबा 38% तक जा पहुंची, जो जब से पाकिस्तान ने ये डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया है उसको अगर आप सामने रखें तो ये सबसे हाईएस्ट महंगाई की शरह थी जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया पर कश्मीर के बारे में डिस्कशन हो रही है कि नए साल के मौके पर कश्मीर में डेवलपमेंट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पेरिस या फिर न्यूयॉर्क का कोई नज़ारा देख रहे। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के लोगों के दिमागों में जहर भरा जा रहा था, भारत के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा था। कश्मीर के नौजवान बच्चों के हाथों में पाकिस्तान ने किताबों की जगह पत्थर थमा दिए थे और 500-500 रुपए देकर उन लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए भड़काया जाता था, ताकि कश्मीर की ऐसी वीडियोस जब बाहर आए तो पाकिस्तान को भारत के ऊपर बात करने का मौका मिले, पाकिस्तान भारत को दुनिया से आइसोलेट कर सके। यानी कि पाकिस्तान का पूरा प्लान ये था कि कश्मीर में हालात खराब करके, जिस तरह बांग्लादेश में भारत ने बांग्लादेशियों की मदद की थी और उनको आजादी दिलाई, वही मॉडल पाकिस्तानी कश्मीर में इंप्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन मोदी जी ने कश्मीरियों के ऊपर ऐसा जादू किया और कश्मीर में डेवलपमेंट करके कश्मीरियों को ऐसा खुश किया है कि आज उसी कश्मीर में उसी लाल चौक में तिरंगा शान से लहराता है और कश्मीरी वहां पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और नए साल की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं।
तो ये नज़ारे देखकर पाकिस्तानियों के दिल तो जरूर फटते होंगे, पाकिस्तानियों को चुभन तो जरूर होती होगी। तो इसी चीज के ऊपर पाकिस्तान मीडिया डिस्कस कर रहा है कि भारत ने कश्मीर को ऐसा बना दिया है कि अब पाकिस्तानी भी कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। वहां पर मिल रही सहूलतों को सुनकर पाकिस्तानी भी ये सोच रहे हैं कि हम भारत के साथ जुड़ें, हम भारतीय कश्मीर में जाकर रहें। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के आज हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने तो पाकिस्तान में नए साल के सेलिब्रेशन के ऊपर ही रोक लगा दी है। ये पाकिस्तानियों के लिए सोचने वाली बात है। पाकिस्तानी अपने देश को नहीं संभाल सकते तो वो कश्मीर को क्या संभालेंगे। दोस्तों आपका इस वीडियो के ऊपर क्या विचार है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।